Hey, hi, hello, my dear friends. I am Abhishek Tetwar and I welcome you very much on my study channel. आइए आज आपको मैं सिखाने वाला हूँ does not से किस प्रकार से negative sentence बनाया जाए दोस्तों. जी हाँ, present indefinite tense में हम does not के प्रयोग से किस प्रकार नकारात्मक वाक्यों का निर्माण करते हैं, आइए आज हम वही सीखने वाले हैं दोस्तों. चलिए इन sentences को ध्यान देंगे हम, इन उदाहरणों के माध्यम से हम सीखेंगे. लेकिन उससे पहले हम सबसे पहले जान लेते हैं नियम को, रूल को. ये सेंटेंस स्ट्रक्चर के नियम इस प्रकार हैं दोस्तों. ये देखिए, सबसे पहले हम सब्जेक्ट यानी कर्ता को लिखेंगे दोस्तों, और कर्ता के तुरंत बाद हमें डज नॉट लगाना है. जी हाँ, डज नॉट, स्पेलिंग देख लीजिए, DOES, इसे कहते हैं डज. उसके पश्चात हमको वर्ब लगाना है, वर्ब यानी कि क्रिया. क्रिया लगाने के पश्चात आपको क्रिया में लगा हुआ एस या ईएस निकाल देना है दोस्तों. जी हाँ, डिडक्ट कर देना है. उसके पश्चात आपको ऑब्जेक्ट लिखना है, ऑब्जेक्ट यानी कर्म. इसके बाद अन्य जो चीजें बचेंगी उनका स्थान आता है दोस्तों. तो इस प्रकार के सेंटेंस स्ट्रक्चर के माध्यम से हम डज नॉट के द्वारा निगेटिव सेंटेंस बना लेंगे. चलिए अब ये जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस, ये जो पॉजिटिव सेंटेंसेस आपको दिख रहे हैं उदाहरण के तौर पर, उनका निगेटिव हम बनाने का प्रयास करेंगे, सीखेंगे हम. चलिए, वह सिक्का उछालता है, ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है. और इस सेंटेंस में आप अगर सीखना चाहते हैं इस सेंटेंस को किस प्रकार से बनाया जाए, तो इसके पहले के मेरे वीडियोस को आप देख सकते हैं, उसमें मैंने बताया हुआ है इस प्रकार के सेंटेंस किस तरह से बनाते हैं. तो चलिए, ये सब्जेक्ट है हमारे पास, ही, शी, इट और कोई एक नाम वाला. इसलिए ये सारे सेंटेंसेस जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर यानी कि अन्य पुरुष एक वचन वाले हैं दोस्तों. चलिए अब इसको हम निगेटिव कैसे बनाएं. निगेटिव में आप सबको पता है नहीं जुड़ जाता है, नहीं 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 नहीं. तो नहीं 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 वाले इन निगेटिव सेंटेंसेस को हम चलिए बदलने का प्रयास करते हैं दोस्तों. नियम तो है हमारे पास, पहला है वह सिक्का नहीं उछालता है, वह सिक्का नहीं उछालता है. देखिए, मैंने वह सिक्का नहीं उछालता है कब पहला ही यहां पर आपके लिए लिख रखा है. He does not, सब्जेक्ट है हमारे पास he, उसके तुरंत बाद हम लगा देते हैं does not, और उसके पश्चात हमको रखना है वर्ब को दोस्तों, वर्ब. तो वर्ब है हमारे पास tosses, यहां पर हमारे पास tosses वर्ब है. अब tosses वर्ब वास्तव में tosses नहीं है, ये वर्ब है toss, ये वर्ब है हमारे पास TOSS, टॉस का अर्थ होता है सिक्का उछालना या कोई भी चीज उछालना. यहां पर सिक्का उछालना हो रहा है, टॉस यानी उछालना. जैसे दोस्तों सिक्का उछाल के देखते हैं, चलिए ये दिस इज अ कॉइन और आई एम टॉसिंग, दिस इज टॉस. तो ये सिक्का उछालने की क्रिया हो गई. टॉस मेन इसका वर्ब है जिसमें ES लगा हुआ है दोस्तों. तो इसी ES को हम यहां हटा देंगे, यहां पर देख पा रहे हैं आप माइनस किया हुआ है मैंने, इस ES को हटा दिया गया है दोस्तों. यानी कि he does not toss a coin, वह सिक्का नहीं उछालता है. ये सिंपल इसका नकारात्मक वाक्य बन गया. चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला उदाहरण देखते हैं. वह चुटकी काटती है, वह चुटकी काटती, चुटकी काटना पिंच करना, ये कई लोगों की आदत होती है चुटकी काटने की, जाते हैं किसी के पीछे और चुटकी काट देते हैं. मेरे मोहल्ले में भी एक बच्ची है, उसका नाम है पंछी, बड़ी शरारती है. अभी पंछी को मैं ला के बताता हूँ, ये पंछी बैठी हुई है अभी मैं बता रहा हूँ दोस्तों इन, ये देखिए ये है पंछी, बड़ी बदमाश है ये, शरारती मिस्चीवस गर्ल है, और ये काफी चुटकी काटती है. इसका नाम मैंने पिंची रख दिया है क्योंकि ये पिंच करती रहती है दिन भर.
सब बॉडी शैतान है। चलिए तो ये पंची को या पिंची को हम यहाँ रख देते हैं दोस्तों। और वह चुटकी काटती है, शी पिंचेस, वर्ब है पिंच, और चूंकि यहाँ पर शी है सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, इसलिए उसमें ई एस लगा दिया गया है। तो वह नहीं काटती है, वह चुटकी नहीं काटती है। चलिए तो चुटकी नहीं काटती है के लिए हम सबसे पहले लिख लेते हैं सब्जेक्ट, उसके पश्चात हम लगाएंगे डज नॉट, डज नॉट, और उसके पश्चात हमको लिखना होगा वर्ब या क्रिया। अब देखिए वर्ब में से हमको यस हटा देना है दोस्तों, पिंचेस का पिंचेस का यस हट जाएगा। इस तरह से देखा जाए तो शी डज नॉट पिंच, वह चुटकी नहीं काटती है। अब अगला उदाहरण है, यह पीड़ा देता है, कोई चीज जो कष्ट देता है, पीड़ा देता है, कष्ट यानी पीड़ा, इसे हम इट हर्ट्स ऐसा कहते हैं अंग्रेजी में, हर्ट यानी पीड़ा देना, कष्ट देना, इट हर्ट्स, यह पीड़ा देता है, यह पीड़ा नहीं देता है, यह पीड़ा नहीं देता है। चलिए आगे बनाते हैं इसको, इट, इट हो गया यहां पर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, इसके पश्चात हमको रखना है डज नॉट, इट डज नॉट, और फिर हर्ट, ये हमारे पास वर्ब है हर्ट, इट डज नॉट हर्ट। देखिए इसमें एस लगा हुआ है, इस एस को हमें हटा देना है दोस्तों, इट डज नॉट हर्ट, ये सही हो गया, एस हट गया। उदाहरण देखते हैं दोस्तों, रामू गाय दुहता है, रामू गाय दुहता है, गाय का दूध निकालता है। अच्छा इसके लिए एक गाय हो जाए दोस्तों, चलिए मैं अभी जादू से एक गाय ले आता हूँ अभी, अब ये लीजिए आ गई हमारी गाय। चलिए अब गाय आ गई है, इसी गाय का तो दूध रामू दुहता है दोस्तों। अब दूध दुहना के लिए क्या है, क्या वर्ब है दूध दुहना के लिए, दूध तो हम सभी जानते हैं, दूध मिल्क यानी कि दूध। अब मिल्क यानी दूध होता है, और दूध दुहना के लिए भी मिल्क का ही प्रयोग कर दिया जाता है दोस्तों। तो देखिए रामू मिल्क्स अ काउ, रामू गाय दुहता है, रामू गाय दुहता है। चलिए अब इसको निगेटिव बना लेते हैं, रामू गाय नहीं दुहता है। यहां पर सब्जेक्ट लिख लिए हम रामू, सब्जेक्ट के तुरंत बाद हम लगाएंगे डज नॉट, डज नॉट, फिर हम वर्ब लिखेंगे मिल्क, एस हम हटा देंगे दोस्तों, रामू डज नॉट मिल्क आकाओ, आकाओ, इतना कर देने पर हमारा वाक्य नकारात्मक हो जाता है दोस्तों। तो देखा आपने डज नॉट के प्रयोग से हम ही शी इट और कोई एक नाम वाले सब्जेक्ट वाले वाक्यों को किस प्रकार से निगेटिव बना पाते हैं। उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा वीडियो, आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और प्लीज डू मोटिवेट मी, कमेंट पे जरूर लिखें ताकि मैं आगे वीडियोस और भी इस प्रकार के आपके लिए अपलोड करूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, जय भारत।